हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। तो आज हम लोग आए हैं मॉल घूमने। कोरोना में 2 साल के बाद आज हम लोग मॉल घूमने आए हैं। कोरोना में 2 साल हम लोग कहीं भी नहीं गए, तो आज बहुत दिन बाद आए हैं मॉल घूमने। तो आज का पूरा ब्लॉग मैं दिखाने वाली हूँ, पूरा ब्लॉग मैं दिखाऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए देखते हैं लास्ट तक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मॉल को कितने अच्छे से सजाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तारीफ नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा मतलब लग रहा है। सब नहीं है मेरे पास, तो आज मैं अभी मॉल नहीं दिखाऊंगी। पहले मैं कुछ और बहुत ही यूनिक सब कुछ दिखाने वाली हूँ आपको। क्या आपने कभी पानी के अंदर या पानी के बाहर रंगोली बनते हुए देखा है या आपने बनाया है, वो आज मैं दिखाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बना रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रंगोली बना रही हैं, एक प्लेट लिया है इन्होंने, और ये प्लेट को सबसे पहले मोमबत्ती अंदर में भी लगाया है इन्होंने, और बाहर से इसको गर्म कर रही है मोमबत्ती अंदर लगाने के बाद। तो आप देख सकते हैं इन्होंने मोमबत्ती लगा लिया। उसके बाद ये क्या कर रही है, मार्कर से इसमें जैसा डिजाइन बनाना है उस तरह का इन्होंने डिजाइन बना लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बटरफ्लाई बना रही हैं, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हैं, ज़्यादातर अभी बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पर डिजाइन बना चुकी हैं और इसमें अब कलर भर रही हैं रंगोली। हमने तो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह का रंगोली देखा है। क्या आपने देखा है पहले कभी पानी के अंदर या पानी के ऊपर रंगोली? तो अगर आपने देखा होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे। पर बहुत ही मुझे यूनिक लगा, इसलिए मैं ये चीज़ सोची कि आप लोग के साथ शेयर करूं। और अगले ब्लॉग में कुछ और भी दिखाऊँगी, तो अभी बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। पार्ट टू भी आएगा, ये पार्ट वन ब्लॉग है एक्सपीरिया मॉल का, और पार्ट टू भी मैं लाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने कलर भर लिया है। उसके बाद देखिए प्लेट में भी क्या कर रही हैं कि फिर से गर्म कर रही हैं। तो इसका गर्म करने का रीज़न ये है कि अंदर में इन्होंने जो मोमबत्ती लगाया था शुरू में, उसमें पहले इन्होंने कलर भर लिया मार्कर से डिजाइन बना के, और उसको गर्म करेंगी तो मोम जो है ना उसमें एक कलर चिपक जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने गरम कर लिया था। और देखिए यहाँ पे एक और डिज़ाइन बना कर रखी हुई थी पहले से रंगोली, उसमें इन्होंने पानी डाल के दिखाया है। देखिए पानी डालने के बाद भी ये रंगोली बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, एकदम सेम का सेम परफेक्ट बना हुआ है। और अभी अभी जो प्लेट में इन्होंने बनाया है बटरफ्लाई, उसमें भी ये पानी डालकर अब दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कितना परफेक्ट बना है ना यूनिक। तो आपको भी आई होप कि पसंद आया होगा आज का मेरा ब्लॉग। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग और रेसिपी लाते रहती हूँ अपने चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट टू में मैं और भी बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ दोस्तों। ये रही हमारी फ्लोटिंग रंगोली।